नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल। आज हम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जिसे NISP भी कहते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत के गिरते खेल स्तर को देखते हुए अच्छे परफॉर्मेंस से प्रदर्शन के परिणाम के लिए 1998 में तथा एक एडोक जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति को ने एक राष्ट्रीय खेल संस्थान की सिफारिश की और इसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय खेल परिषद ने प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा मार्च 1961 में पटियाला के पंजाब में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का की स्थापना हुई। इस संस्थान का उद्घाटन 7 मई 1961 डॉक्टर A.L. श्रीमाली ने के द्वारा किया गया। इस खेल संस्थान के विभिन्न खेलों जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक, जिमनास्टिक, कुश्ती, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है और एक प्रशिक्षक तैयार किया जाता है। तत्प्रशासन ने खेलों के लिए कोचिंग देना महत्वपूर्ण आवश्यक है। कोचिंग के डिप्लोमा लेने के बाद कोच अनेक कोच खेल प्रशिक्षण देने में लगे रहते हैं। अब ये संस्थान मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की उपलब्धि भी देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय खेल संस्थान के उद्देश्य के एम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के खेलों विभिन्न खेलों के लिए है। विभिन्न विशेष कोचों का प्रशिक्षण तैयार करना, खेलों का प्रशिक्षण ऊंचा उठाना, खेल के क्षेत्र में न्यून जानकारी प्रदान करना, खेलों के प्रतिभान वन खिलाड़ियों की सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देना, खेलों विभिन्न संवाद सेमिनारों का आयोजन करवाना, खिलाड़ियों को खेल के प्रति अत्यधिक प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए नवय केंद्रों की सहायता करना, खेलों के लिए न्यूनतम तकनीकी उपकरणों को सामानों को या उद्योगपतियों को तकनीकों को ज्ञान देना, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को अनुकूलन ओरिएंटेशन कोर्स कराए जाते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं कार्यक्रम की सहायता करना, खेलों के प्रति उन्नति था उनके लिए पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, एशिया व अन्य देशों में खेल कूद प्रशिक्षण तैयार करना NIS का मुख्य उद्देश्य है। और NIS विभिन्न प्रकार के कोर्स कर जैसे अब NIS की नई ब्रांच स्टार्ट कोलकाता में है, तिरुवनंतपुरम में है, ये NIS की नई ब्रांचेज हैं और इसकी जो कोचिंग करने की विभिन्न योग्यताएँ हैं अलग अलग समय में निकलती रहती हैं।